पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दिल का दौरा पड़ने से निधन। नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद मंगलवार रात करीब 10:15 उन्हें दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में भर्ती कराया गया था। विदेश मंत्री के कार्यालय के दौरान सोशल मीडिया पर शिकायतों को सुनने और उनके निपटारे के लिए काफी लोकप्रिय रहीं सुषमा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहीं। अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने पर बधाई दी थी। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। सहयोग देखिए कि इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही उनके निधन की खबर आई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता एम्स पहुंचने लगे हैं। प्रखर वक्ता और विदुषी के रूप में पहचान बनाने वाली सुषमा स्वराज मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री थी। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रही थी। 16वीं लोकसभा में वह मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद चुनी गई थी। इस बार उन्होंने खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। विदेश मंत्री रहते हुए वह सोशल मीडिया पर शिकायतों को सुनने और उनके निपटारे के लिए काफी लोकप्रिय थी। वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी।